इस वक्त की बड़ी खबर, नोटबंदी के बाद अब जाकर सरकार को 13 ऐसे बैंकों के लेन देन की जानकारी मिली है जिनमें फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने की कवायद की गई थी। ये भी खुलासा हुआ है कि कंपनियों के 100-100 खाते थे, अब 2,09,032 कंपनियों पर रोक लगाई गई है। इनमें से एक कंपनी के 2,134 खाते के लगभग खाते थे। नोटबंदी के बाद इन फर्जी कंपनियों ने करीब 4,575.87 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। बने रहिए glips.in के साथ। For more information, log on to www.glips.in.